सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो हासिल करने के लिए। ये सब फ्री है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप करें। चपली कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। 800 ग्राम मैंने कीमा लिया है, उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, 2 टीस्पून है प्याज शामिल करेंगे चॉप किया हुआ, एक मीडियम साइज का प्याज उसको मैं चॉप किए हैं, टमाटर शामिल करेंगे, मीडियम साइज का टमाटर है उसको मैंने बारीक काट लिया है, कीमे के अंदर प्याज चॉप किया हुआ, टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिए। अब 2 टीस्पून कुटा हुआ धनिया डालेंगे साबुत, 1/2 टीस्पून की भी लाल मिर्च शामिल करेंगे, वन टीस्पून सुरख मिर्च पिसी हुई शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, गरम मसाला पिसा हुआ शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा शामिल करेंगे, 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून लेवल भर के, 1 अनारदाना पिसा हुआ शामिल करेंगे, 2 टीस्पून मैंने बेसन लिया, उसको तवे पे हल्का सा मैंने भून लिया ताकि उसका कच्चापन खत्म हो सके, वो शामिल करेंगे, 2 अंडे शामिल करेंगे, 1/2 फ्राई अंडे, 1/2 धनिया शामिल करेंगे, हरी मिर्चें शामिल करेंगे, 4 अदद हरी मिर्चें मैंने बारीक काट ली थी, थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून, फिर मैं 1 अदद लेमन स्क्वीज करेंगे, 1 मिर्चा शामिल कर दिए, अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे हाथ की मदद से। तमाम मसाला जात मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिए, अब चपली कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। चपली कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, एक एक करके डालते जाएंगे। कबाब हमारे फ्राई हो रहे हैं मीडियम फ्लेम पे, जैसे एक साइड से ब्राउन हो जाएंगे फिर टर्न करेंगे। कबाब हमारे एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब टर्न करेंगे। इसी तरह बाकी तमाम टर्न कर देंगे। तमाम कबाब हमने टर्न कर लिए, एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, दूसरी तरफ से जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे चपली कबाब हमारे तैयार है। दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। मजेदार चपली कबाब तैयार है। अगर आप जीरा कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। 1/2 केजी मैंने एक गाय का कीमा लिया है, एक मीडियम साइज का प्याज शामिल करेंगे जो मैंने स्लाइस में काट ली है, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, 2 टीस्पून ब्लैक पेपर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून भर के। इससे पहले यूट्यूब पे जीरा कबाब की रेसिपी अपलोड नहीं हुई थी, मैं फर्स्ट टाइम अपलोड कर रही हूँ। उम्मीद है आपको जीरा कबाब पसंद आएंगे। नमक शामिल करेंगे और 1 कप गिलास का शामिल करेंगे पानी, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
इसमें सुरख मिर्च नहीं शामिल करेंगे, हल्दी पाउडर कुछ नहीं शामिल करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे। जैसे कीमा हमारा अच्छी तरह से गल जाएगा फिर बाकी अगला स्टेप स्टार्ट करेंगे। अब इसे कवर कर देंगे, लो फ्लेम पे पकाएंगे। जैसे ही हमारा कीमा गल जाएगा फिर इसे देखते हैं। लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दिया था, कीमा हमारा गल चुका हुआ है, पानी भी खुशक हो चुका हुआ है। अब इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद ग्राइंड करेंगे। हमारा एक तरफ ठंडा होने के लिए रख दिया हमने, दूसरी तरफ हम पैन में ज़ीरा शामिल करेंगे, इसको रोस्ट करेंगे 2 टीस्पून भर के। साथ हम साबुत धनिया डालेंगे थोड़ा सा, रोस्ट करेंगे हल्का सा पैन के अंदर, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ज़ीरा हमारा रोस्ट हो चुका है, अब इसे निकाल लेंगे। इसी तरह हम साबुत धनिया भी शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भर के, इसको भी हल्का सा थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। अब इसको भी निकाल लेंगे। साबुत धनिया को हम ग्राइंड कर लेंगे और ज़ीरा को हम ऐसे ही शामिल करेंगे। कीमा हमारा ठंडा हो चुका हुआ है, अब इसे चॉपर में ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करके निकाल लेंगे, फिर ज़ीरा और साबुत धनिया शामिल करेंगे। कीमे को हमने चॉपर में अच्छी तरह से पीस लिए। अब इसमें अंडा शामिल करेंगे, 1 अदद मैंने अंडा लिया, उसको अच्छी तरह से मैंने बीट कर लिया। हाफ अंडा हम शामिल करेंगे, पूरा नहीं शामिल करेंगे, हाफ अंडा मैंने शामिल कर दिया है। मैं अब साबुत धनिया शामिल करेंगे, इसको मैंने थोड़ा सा पीस लिया है, क्रश कर लिया है। अब इसी तरह ज़ीरा शामिल करेंगे, जिसको हमने तवे के ऊपर पैन के अंदर रोस्ट कर लिया था, हाथ में मसल के फिर शामिल करेंगे। ये भी शामिल कर दिए, ब्लैक पेपर शामिल करेंगे फ्रेश 1/2 टीस्पून, इससे पहले हम काली मिर्च पीसी भी शामिल की थी। हरी मिर्चें शामिल करेंगे, 3 अदद हरी मिर्ची, उनको मैंने बारीक काट लिए, हरा धनिया है। अब अच्छी तरह से हाथ की मदद से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। टिक्कियाँ बनाएंगे पहले, इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। हाफ अंडा जो हमारा बच गया था वो भी शामिल कर देंगे ताकि अच्छी तरह से कबाब की बाइंडिंग हो सके। हम इसकी कोई कोटिंग नहीं करेंगे, इसी यही कोटिंग का काम करेगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद टिक्कियां बनाएंगे और फिर तवे पे फ्राई कर लेंगे। अब हम कबाब रेडी करेंगे। एक कबाब हमारा रेडी हो चुका है, इसी तरह बाकी तमाम कबाब भी तैयार कर लेंगे। तमाम कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं, अब फ्राई करेंगे। कबाबों को फ्राई करना शुरू करेंगे। तवे के ऊपर मैंने ऑयल डाल दिया, ऑयल गर्म हो चुका हुआ है, अब देखिए करके डालते जाएंगे। इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बच्चे और बड़े सभी पसंद करेंगे। इसी तरह बाकी तमाम कबाब शामिल कर देंगे, डाल देंगे। कबाबों को हम टर्न करेंगे, एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है।
इसी तरह बाकी सारे कबाब हम टर्न कर लेंगे, हम निकाल लेंगे। चार कबाब और मैंने शामिल कर दिए, दोनों तरफ से लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। हमें ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है। इसी तरह बाकी तमाम कबाब निकाल लेंगे। दार जीरा कबाब रेडी है। अगर फ्रेशा कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले देशकी में गोश्त शामिल करेंगे। हाफ के जी मैंने बीफ लिया है, बोनलेस है। इसमें पानी शामिल करेंगे 2 कप, साथ ही हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के। 1 टीस्पून जीरा शामिल करेंगे। एक अदद मोटी इलायची शामिल करेंगे। 3 अदद हरी इलायची शामिल करेंगे। 2 अदद दालचीनी के टुकड़े शामिल करेंगे। और आखिर में नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून लेवल। अब मिक्स करेंगे और कवर करके रख देंगे लो फ्लेम पे। जैसे ही हमारा गोश्त गल जाएगा फिर इसमें थोड़ी सी दाल ऐड करेंगे, वो मैंने लहदा से बॉईल कर ली है। इसे कवर करके रख देंगे। जैसे ही गोश्त गल जाएगा इसको कुंडी में लो फ्लेम पे, गोश्त को पकने के लिए रख दिया था। गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल चुका हुआ, बीफ ये देखें बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो चुका हुआ है। हाफ कप मैंने चने की दाल ली थी, उसको मैंने बॉईल कर ली है, ये शामिल करेंगे। इससे पहले हम मोटी इलायची निकाल लेंगे और दालचीनी का टुकड़ा भी निकाल देंगे और कुंडी में डाल के इन दोनों चीज़ों को कूट लेंगे। एक अदद मैंने लकड़ी की कुंडी ली है, उसके अंदर सबसे पहले गोश्त शामिल करेंगे। साथ ही हम दाल शामिल कर देंगे। अब अच्छी तरह इसको कूट लेंगे, ऐसे अच्छी तरह से यकजान हो जाएगा, अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा रेशेदार। फिर हम कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। गोश्त को दाल को मैंने अच्छी तरह से कुंडी में कोट लिया, ये देखिए गोश्त के अच्छी तरह से रेशे रेशे हो गए। अब इसमें बाकी थोड़े से मसाला जात शामिल करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून, क्रश की हुई ब्लैक पेपर शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून, सूखा धनिया पिसा हुआ शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पिसा हुआ शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून, साथ ही हम हरी मिर्च शामिल करेंगे। एक बड़ी साइज़ की हरी मिर्च थी, मैंने उसको बारीक बारीक काट ली है। हरा धनिया शामिल करेंगे, तमाम अज़ा शामिल कर दिए। अब हम इसको अच्छी तरह से हाथ की मदद से मिक्स करेंगे। तमाम अज़ा मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर ली है। मैंने एक टिक्की मेकर लिया, उसको ग्रीस कर लिया ऑयल लगा के थोड़ा सा, ताकि टिक्की हमारी इजीली बन जाए। थोड़ा थोड़ा बैटर शामिल करते जाएंगे और ऐसे प्रेस करते जाएंगे। और इस तरह हमारे कबाब रेशा कबाब रेडी हो जाएंगे। इसी तरह बाकी तमाम कबाब हम बना लेंगे। रेशा कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं। 2 अदद मैंने अंडे लिए हैं, उनको मैंने बीट कर लिया है। तवे के ऊपर मैंने ऑयल डाल दिया, ऑयल गर्म हो चुका होगा। अब एक एक कबाब उठाते जाएंगे और अंडे के अंदर डिप करके कोट करके तवे पे डालते जाएंगे। इसी तरह बाकी तमाम कबाब डाल देंगे। जब भी आप रेशा कबाब बनाएं उसको कुंडी में कूटें, कुंडी में ही पीसना चाहिए। अगर आप चॉपर वगैरह में चॉप करते हैं तो उससे बहुत ही बारीक हो जाता है कीमा, रेशेदार नहीं फिर वो कहलाते। तमाम कबाब ने तवे के ऊपर डाल दिए, जैसे एक तरफ से फ्राई हो जाएंगे गोल्डन ब्राउन,
फिर टर्न करेंगे। बाब हमारे एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, टर्न करेंगे एक एक करके। तमाम कबाबों को हम ऐसे ही टर्न कर लेंगे। कबाब हमारे दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, रेशा कबाब हमारे रेडी हैं, एक एक करके निकालते जाएंगे। मज़ेदार रेशा कबाब तैयार हैं। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।